हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनपीएससी ज्ञान भंडार। सब्सक्राइब माय चैनल एनपीएससी ज्ञान भंडार एंड आल्सो टेप द बेल बटन फॉर अपडेट्स। माय सेल्फ निर्मल प्रजापति। ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीएससी ज्ञान भंडार। क्लास 5 to 10। सब्जेक्ट मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर। Of any boards, ICSE, CBSE, JAC, or any state board of English medium. Class 11th and 12th. Subject Physics, Math, and Computer Science. Of any board, ICSE, CBSE, JAC, or any state board of English medium. For more information, contact on my WhatsApp number 9431703940. And note, personal online video classes also given here. COVID-19, स्टे एट होम, स्टडी एट होम। ये CBSE क्लास 4 साइंस चैप्टर 2 है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया है, आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो देख लें तभी चैप्टर 2 देखें। तो चलिए इसमें पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे। प्लांट्स, आखिर प्लांट्स कैसे होता है, क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इन क्लास 3 वी लर्न ए लिटल बिट अबाउट प्लांट्स। क्लास 3 में पढ़े होंगे प्लांट्स के बारे थोड़ा बहुत। ओके, लेट अस रिवाइज द सेम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये सबको रिवाइज करना है। ओके, देखिए एक प्लांट्स बनाया हुआ है जिसमें रूट है, स्टेम है, बड है, फ्लावर है, ब्रांच है, फ्रूट है, लीफ है। ओके, सारे पार्ट्स है प्लांट के। तो इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। तो ए नंबर है, ब्लैंक्स फिक्सेस ए प्लांट इन द सॉयल। कौन फिक्स करता है प्लांट को? प्लांट किसकी मदद से फिक्स रहता है सॉइल में, आप खुद बताइए। रूट्स, रूट्स की मदद से। ओके, बी नंबर है, ब्लैंक्स सपोर्ट्स ए प्लांट एंड किप्स इट अपराइट। ओके, कौन सपोर्ट करता है प्लांट को और इसको सीधा खड़ा रखने में कौन मदद करता है? स्टेम। नेक्स्ट है, लीफ हैज ब्लैंक्स इन इट टू प्रिपेयर फूड एंड टू गिव इट इट्स ग्रीन कलर। लीफ में क्या रहता है जो इसको फूड बनाने में मदद करता है, खाना बनाने में मदद करता है और ग्रीन कलर होता है, जिसकी वजह से लीफ का क्या होता है उसमें? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्पेलिंग अच्छे से याद कीजिएगा बच्चों, क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट है डी, फ्रूट्स हैव ब्लैंक्स इन देम विच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स। फ्रूट्स में क्या रहते हैं जिससे वो जर्मिनेट होता है और प्लांट्स बनाता है, सीड्स। ओके, वी नो दैट प्लांट्स हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। ओके, रूट रहते हैं, स्टेम रहते हैं, ब्रांच रहता है, लीफ रहता है, फ्लावर रहता है एंड फ्रूट्स रहता है। वी हैव लर्न अबाउट द लीफ इन सम डिटेल्स इन द प्रीवियस क्लास। लीफ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, क्लास 3 में लीफ। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट द रूट ऑफ द प्लांट। रूट ऑफ द प्लांट के बारे पढ़ेंगे, रूट, द रूट। ओके, चलिए देखते हैं रूट क्या होता है। द रूट, इट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या होता है? एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मतलब ये जमीन के अंदर रहता है। ओके, सॉइल के अंदर रहता है, प्लांट का पार्ट होता है और सॉइल के अंदर रहता है। एज द प्लांट ग्रोज इट्स रूट्स बिकम थिक एंड वुडी विथ द कॉर्की अंडर कॉर्की आउटर लेयर। ओके, जैसे प्लांट ग्रो करता है ये क्या होता है? इसका रूट्स थिक होता है और वुडी होता है, लकड़ी जैसा बनता है। उसके बाद इसमें कॉर्की आउटर लेयर भी बनता है। ओके, एक लेयर रहता है रूट में, देखिएगा रूट को अगर ध्यान से देखे होंगे तो। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे टाइप्स ऑफ रूट। ओके, रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रूट्स दो तरह के होते हैं, टैप रूट्स एंड फेब्रस रूट्स। ओके, एक पहला टैप रूट एंड फेब्रस रूट, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ओके, फर्स्ट है टेप रूट। टेप रूट इज अ सिंगल लॉन्ग रूट विथ थिन रूट्स राइजिंग फ्रॉम इट। प्लांट्स लाइक बीन्स, रोज, लेडी फिंगर एंड ट्रीज लाइक नीम एंड पीपल हैव टैप रूट। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट एक सिंगल लॉन्ग रूट होता है विथ थिन रूट्स। देख रहे हैं फिगर में दिखाया हुआ है। देखिए कौन कौन से प्लांट्स में ऐसे आपको देखने को मिलेगा? बीन्स में मिलेगा, रोज में मिलेगा, लेडी फिंगर्स में मिलेगा और ट्रीज लाइक नीम एंड पीपल में मिलेगा। देख रहे हैं टेप रूट का फिगर भी दिखाया हुआ है कैसे रूट रहता है। नेक्स्ट है फेब्रस रूट। फेब्रस रूट आर दोज रूट
इन विच मैनी रूट्स राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ए फेब्रस रूट टेंड्स टू टेपर डाउनवर्ड्स। देख रहे फेब्रस रूट का भी दिखाया हुआ फिगर, ओके। और ये क्या होता है, इसमें फेब्रस रूट में बहुत सारे रूट्स राइज होते हैं, कहाँ से, स्टेम से, ओके। और ये फेब्रस रूट टेपर डाउनवर्ड तक जाता है पूरा, ओके। फेब्रस रूट आर फाउंड इन ऑल सीरियल्स ग्रासेस एंड बनाना, ओके। आपको ग्रास में, ग्रास देखे होंगे, ग्रास में देखे फेब्रस रूट मिलेगा। सारे रूट्स कहाँ से आएंगे, स्टेम से, वो कनेक्ट रहते हैं, स्टेम से निकलते रहते हैं, राइज होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, डू यू नो रूट्स हेल्प इन सॉयल कन्वर्जन, दे हेल्प्स टू वाइंड द सॉयल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वाश्ड अवे। रूट्स क्या करते हैं, सॉयल कंजर्वेशन को रोकते हैं, ओके। रूट हेल्प्स इन सॉयल कंजर्वेशन, दे हेल्प टू बाइंड द सॉयल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वाश्ड अवे। और ये सॉयल को बाइंड करके रखते हैं, जोड़ करके रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं वाश अवे होने से। मतलब पानी का बारिश होता है तो क्या होता है, मिट्टी ढह जाता है, लेकिन अगर प्लांट्स रहेगा तो वो ढहेगा नहीं, ओके। नेक्स्ट है, फंक्शंस ऑफ द रूट, क्या क्या फंक्शंस है रूट्स के। रूट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट, रूट जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में सॉइल से, ओके। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट टू इन द सॉइल, ये क्या करता है, प्लांट को होल्ड करता है सॉइल में, ओके। अपराइट मतलब सीधा खड़ा होने में मदद करता है ये। दस अब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन आर टू मेन फंक्शन ऑफ द रूट। अब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन बोलते हैं इसको, फिक्स करके रखना, ये दो फंक्शन है रूट्स के। इन सम प्लांट्स रूट्स परफॉर्म ए फ्यू स्पेशल फंक्शंस, कुछ प्लांट्स में रूट्स जो है परफॉर्म करता है, स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ओके। चलिए देखते हैं क्या क्या है। प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट एंड बीट रूट हैव थिक रूट्स विच स्टोर्ड फूड फॉर द प्लांट। सम सच रूट्स आर ईटन बाय मैन एंड एनिमल, सच रूट्स आर कॉल्ड एडिबल रूट, ओके। एडिबल रूट बोलते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स जैसे रेडिश, कैरोट, बीट रूट, उसमें थिक रूट्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं और उसी को हम लोग खाते हैं, ओके। जैसे रेडिश खाते हैं, कैरोट खाते हैं, बीट रूट खाते हैं, तो ये रूट पार्ट होता है प्लांट्स का, ओके, जो फूड स्टोर करता है। तो डू यू नो दिया हुआ है, डू यू नो एडिबल रूट्स लाइक कैरोट, रेडिश, बीट रूट आर डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस एंड एड वैरायटी टू दी डाइट, ओके। ये क्या है, ये सब क्या है, डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस प्लांट्स है, ओके। सबको हम लोग खाएंगे तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है, चलिए। इन सम प्लांट्स रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट, फॉर एग्जांपल द ब्रांचेज ऑफ बनियान ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेज, ओके। कुछ प्लांट्स में रूट्स क्या करता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे बनियान ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या करता है, स्पेशल रूट्स जो डाउनवर्ड्स ग्रो करता है, देख रहे हैं, डाउनवर्ड्स ग्रो करता है रूट्स, ओके। बनियान ट्री में वो क्या करता है, ब्रांचेस से ग्रो करता है और वो उसको सपोर्ट देता है। सिमिलरली सम प्लांट्स लाइक मेज हैव थिन एंड लॉन्ग स्टेम विच रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट। जैसे उसी तरह से कुछ प्लांट्स है जैसे मेज, जिसमें क्या रहता है, थिन एंड लॉन्ग स्टेम रहता है, जिसको रिक्वायर्ड रहता है, ज़रूरत पड़ता है एक्स्ट्रा सपोर्ट की, जो उसे सीधा खड़ा होने में मदद करे इरेक्ट करने में, ओके। दे कीप देम इरेक्ट। सच प्लांट्स हैव रूट राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ देयर स्टेम, जिसमें क्या रहता है, रूट रहता है जो कहाँ से राइज होता है, स्टेम से, दैट हेल्प सपोर्ट टू द प्लांट, जो सपोर्ट प्लांट देता है प्लांट को, ओके, सपोर्ट देने में मदद करता है। नेक्स्ट है, इन मैंग्रोव्स प्लांट रूट डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन इन मार्सी एरियाज, ओके। मार्सी एरियाज में देखिए, जैसे मैंग्रोव्स प्लांट जो होते हो मार्सी एरियाज में होते हैं और उसमें सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ओके।
रूट्स को सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए क्या होता है, इन सच प्लांट्स सम ब्रीदिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉयल गेट्स फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसीलिए इसमें क्या होता है, मार्शी एरियाज में रूट्स ऊपर की ओर आते हैं एयर में ताकि उसको ऑक्सीजन मिले। देख रहे हैं मैंग्रोव्स का फिगर में दिखाया हुआ है, ओके, उसमें उसको सॉयल में ऑक्सीजन कम मिलता है जिससे वो एयर में आ जाता है रूट, ओके। सच रूट्स फाउंड इन बनियान मेंज मैंग्रोव्स प्लांट्स आर कॉल्ड एरियल रूट। वैसे रूट्स को क्या बोलते हैं, एरियल रूट। एरियल रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हवा में रहता है, एयर में रहता है ये रूट, ओके। तो डू यू नो देयर इज ए लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, क्या आपको पता है कि यहाँ कटिंग ट्रीज मतलब पेड़ों को काटने के अगेंस्ट में एक नियम है, कानून है, लॉ है, ओके। फॉर कटिंग डाउन फॉर और बर्निंग एनी ट्रीज ए रिटन परमिशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी ट्री को काटने के लिए या सेव करने के लिए, बर्निंग करने के लिए, ओके, एक रिटेन परमिशन की जरूरत होती है उस अथॉरिटी से, उससे रिक्वायर्ड अथॉरिटी से, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ प्लांट्स के बारे में, जो हम लोग रूट के बारे में जाने, ओके। रूट्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे रूट्स होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो दोबारा देखें तो भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो इस तरह से कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, कीवर्ड्स को आप याद करें, क्योंकि ये कीवर्ड्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं डिफाइन द टर्म करके, ओके। तो ये कीवर्ड्स भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कीवर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए इसको, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। मुझे लगता है ये बन जाएगा आप लोगों से अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा तो, ओके। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को दोबारा देखें, अच्छी तरह से समझें और फिर इसे बनाने की कोशिश करें, कॉपी में बनाने का कोशिश करें, तो आप ज़रूर कर पाइएगा, ओके। इस पेज में देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी आपको देखिए ड्रॉ द शेप ऑफ द टेप रूट एंड फेवरेस रूट, सिर्फ शेप ड्रॉ करना है, कैसा शेप रहता है, आप देखिए बुक में दिया हुआ है। मुझे लगता है ये चारों क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, ट्राई कीजिए इसे बनाने का। फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। फिर भी अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये बेस्ट क्वेश्चन जो वो आप रीड कीजिए, मुझे डेफिनेटली लगता है, पता है ये आप कर लीजिएगा। बस इस पैराग्राफ आपको रीड करना है और उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ये, ओके। फिर मैं चैप्टर 3 लेके आऊँगा बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट में बताएँ, अगर कुछ कमी हो तो बताएँ। थैंक यू।